फाइनली 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 ओडा सेंसेई अब आ चुके हैं गॉड वैली से रिलेटेड बहुत सारे मिस्ट्रीज को हम लोगों के सामने सॉल्व करने के लिए। तो यार ओडा सेंसेई इतना अच्छा आदमी है कि उसने गॉड वैली को तो फोकस किया, साथ में उसने बार्थोलोमो कुमा के भी फैमिली देश को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रखी है। तो आओ यार आज के वीडियो में हम लोग गॉड वैली से रिलेटेड एक हिस्ट्री पार्ट और एक बार्थोलोमो कुमा के फैमिली देश को जानते हैं। तो वैसे तो यार अगर तुम किसी यूट्यूबर से गॉड वैली के बारे में पूछोगे तो वो बस सेम इस मेम के तरफ पसीने से भर जाता है, क्योंकि भाई ये बहुत सिंपल से रीज़न है, क्योंकि गॉड वैली के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। सारे लोग यही बोलते हैं मेरे को ये लगता है मेरे को ये लगता है, पर जब ओडा सेंसेई बहुत सारे हिस्ट्री के साथ आ चुके हैं तो चलो सीधे फैक्ट पे कूदते हैं। वैसे चैप्टर 1095 में ओडा ने मोस्टली गॉड वैली से रिलेटेड हिस्ट्रीज को खोला है। तो सबसे पहले गॉड वैली से हिस्ट्री ये है कि आखिर उस आयरन का नाम गॉड वैली क्यों है। देखो यहाँ पे ओडा ने हम सभी लोगों को फूल बना के रख दिया था। गॉड वैली समझते हैं, हम लोग सोच रहे थे कि कोई बहुत बड़ा गॉड का आयरन होगा या फिर किसी गॉड का कुछ पास्ट रिलेशन होगा उस आयरन से, पर एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। बस वहाँ पर जो रिसोर्सेज और मिनरल्स पाए जाते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट और या फिर बोलो बहुत प्रीशियस होते हैं, डेट्स वाई उस आयरन का नाम गॉड वैली है। यार ये तो गॉड वैली की हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा दिमाग चकराने वाली चीज़ है मैं समझता हूँ, पर कोई नहीं, आने वाले टाइम में ओडा और सारी चीज़ों को रिवील करेगा और मैं और सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करूँगा। और हाँ ये वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करो और दोस्तों को बताओ कि वन पीस यहाँ पर तुम देख सकते हो, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी मैं देता हूँ शायद से लगता है मुझे। तो नाउ योर टाइम हो चुका है, लेट्स गो विद द बार्थोलोमो कुमा। कुमा के फैमिली देश के बारे में जानने से पहले एक तुमसे क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम मैंने कुमा को देखा था मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगा था उसका बॉडी फिगर, क्योंकि वो नॉर्मल वुमेंस के साइज से भी कुछ ज़्यादा बड़ा था। क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ लगा था कमेंट में ज़रूर बताना। तो फाइनली वैसे तो कुमा के ब्लड ड्रेस के बारे में पता चल चुका है, उसका ब्लड ड्रेस जो है उसका नाम कुछ बेकना कर कर है, जो तुम अभी मेरे स्क्रीन पर स्क्रीन देख सकते हो ठीक से। और मैं तुम्हें ये भी बता दूँ कि बार्थोलोमो कुमा का जो बाप था वो जाइंट था और उसकी माँ एक नॉर्मल वुमेन थी। वो एक्चुअली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 1095 के चैप्टर स्पॉइलर में अगर तुम ध्यान से देखो तो सेटन ये सारी चीज़ें बोनी को बता रहा है। अगर तुम इस पिक्चर को मैं थोड़ा जूम कर दूँ, अगर तुम्हें पिक्चर को थोड़ा जूम करके देखो तो कुमा के माँ के जो हाथ है वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं देन कंपेयरिंग टू कुमाज फादर। एक्चुअली कुमा आज के मतलब रनिंग वन पीस के 47 ईयर्स अगो पहले जन्म लिया था किसी साउथ ब्लू का सॉर्बेट किंगडम में, और उसके फैमिली को स्लेव बना लिया गया था। क्यों? क्योंकि उसके फैमिली ने क्राइम कमिट करा था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे सबसे शायद जायंट्स और ह्यूमन रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो यार बस आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ यार वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक कमेंट शेयर करो और वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताओ।